उनके
की भी इस समय पूजा करते हैं, क्योंकि वो प्राणी मात्र भी हमारे लिए ईश्वर का ही रूप है। इसी पोंगल में जलीकट्टू के रूप में हम लोग जो दुराभिमानी होता है, जो वाइल्ड होता है, उसको शांत करते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो चार दिन का हमारा सारा कार्यक्रम है, जिसमें पोंगल भी हम तैयार करते हैं, मुझे विश्वास है कि जब मैं यहां से निकलूंगा तो प्रसाद के रूप में तमिल सेल्वन जी मुझे पोंगल जरूर देंगे, क्योंकि मैंने जब आपने यहां पर फिल्म दिखाई, बहुत ही सुंदर फिल्म सेल्वन जी आपने तैयार की, उस फिल्म में उबले हुए चावल मैंने देख लिए। तो जब चावल उबल गए तो पोंगल तो जरूर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमारी महाराष्ट्र की विधानसभा में मुंबई से कैप्टन तमिल सेल्वन जैसा एक साथी हमको मिला है, जो जनता के बीच रहकर और जनता के लिए काम करने वाला है। थोड़ा सा मैंने अक्सर देखा, जब भी कोई संकट आता है, जिस समय मराठवाड़ा में और पश्चिम महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, उस समय अगर वहां पर सबसे पहले अनाज किसी ने भेजा होगा तो कैप्टन तमिल सेल्वन ने भेजा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार लोग मदद के रूप में जमा किया हुआ बचा कुचा खराब ऐसा अनाज भी भेज देते हैं, पर हमारे तमिल सेल्वन ने जिस समय मैं वहां पर उस ट्रक को हरी झंडी दिखाने गया तो मैं देखकर अचंभित हो गया कि सारी चीजें जो उन्होंने भेजी वो ब्रांडेड चीजें उन्होंने भेजी। तो उन्होंने वहां कहा कि आज जो हमारे साथी हैं वो तकलीफ में हैं, तो उनके लिए अच्छी खाने की चीजें, चावल हो, दाल हो, रोटी हो, गेहूं हो, ये सारी चीजें, कपड़े और सबसे बड़ी बात पीने के पानी की बड़ी बड़ी बॉटल्स और बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स ये भी उन्होंने वहां पर भेजे। और आज जिस समय चेन्नई में बहुत बड़े पैमाने पर फ्लड्स आए, तो उन फ्लड्स में भी चेन्नई में महाराष्ट्र से सबसे पहले मदद करने वाला कोई आदमी होगा तो हमारा कैप्टन तमिल सेल्वन था। चाहे वो मुंबई के ऊपर हमला हो, ट्रेन का बम ब्लास्ट हो, जहां पर भी कोई तकलीफ खड़ी होती है, सबसे पहले वहां जाने वाला आदमी कैप्टन तमिल सेल्वन होता है। और इसे कैप्टन तमिल सेल्वन जी, आपने हमारा शुक्रिया अदा किया कि हमने आपको टिकट दिया, लेकिन वो आपका चेहरा देखकर हमने नहीं दिया, वो तो फिर विवेक जी को दे देते। आपका काम देखकर हमने आपको टिकट दिया। जब हमने वहां पर पता किया कि अच्छा काम करने वाला कौन है, तो केवल तमिलियंस नहीं, इस एरिया में बसने वाले सायन कोलीवाला के, चाहे किसी भी समाज के लोग हो, चाहे किसी भी प्रांत के लोग हो, चाहे कोई भी भाषा बोलने वाले लोग हो, सबने एक मत से कहा अगर टिकट देना है तो कैप्टन तमिल सेल्वन को ही दीजिए। और इसलिए हमने आपको टिकट दिया, और मुझे खुशी है कि चुनकर आने के बाद भी आप उसी प्रकार से लोगों की सेवा कर रहे हैं। आज मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, ये महाराष्ट्र तो भारत का एक छोटा रूप है, और भारत में जितने लोग बसते हैं वो सारे लोग हमारी मुंबई में और महाराष्ट्र में बसते हैं। और महाराष्ट्र का ये हमेशा महाराष्ट्र की संस्कृति रही है कि जितने लोग यहाँ पर आए
सभी का महाराष्ट्र ने हमेशा स्वागत किया है और आज तो आप लोगों को कोई महाराष्ट्र से अलग मान ही नहीं सकता, आप महाराष्ट्रीयन तमिल हो। जैसे हमारे महाराजा भोसले, इनको अभी तमिलियन महाराष्ट्र बोलना पड़ेगा, वैसे आप महाराष्ट्रीयन तमिल हो। और इसलिए मैं निश्चित रूप से आपको आश्वस्त करता हूं कि जल्दी ही हम एक जगह ढूंढेंगे और तमिलनाडु भवन भी महाराष्ट्र में बनेगा, जहां पर हमारा सारा जो कल्चर है उसको हम प्रिजर्व करेंगे। और जहां तक शिक्षा की बात है, निश्चित रूप से अगर आठवीं तक तमिल भाषा में हम सीख सकते हैं तो उससे आगे क्यों नहीं सीख सकते। और इसलिए तमिल लैंग्वेज को बढ़ावा देना, उसके लिए भी जरूर हम सरकार की ओर से उस संदर्भ में भी कोशिश करेंगे। मैं आज के इस मौके पर आपको इतना आश्वस्त करता हूँ कि बड़ा अच्छा कार्यक्रम आपने लिया, जिसमें सारे अच्छे लोगों को यहाँ पर आपने बुलाया। हमारे अम्बलगम भी यहाँ पर आए हुए, जो आज बड़े अच्छे तरीके से हमारा जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसमें काम कर रहे हैं एक आईएएस अधिकारी के रूप में। तो मुझे ऐसा लगता है आज अगर हमारे आईएएस अधिकारियों में देखे तो तमिल ओरिजिन के या तमिलनाडु से आए हुए बहुत अच्छे अधिकारी और सारा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित रूप से इस राज्य को आगे ले जाने के लिए आपने सबने बहुत अच्छा काम किया है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। और साथ ही में सायर कोलीवाड़ा के स्लम्स के बारे में आपने जो बात यहाँ कही है, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, अपनी सरकार ने तय किया है 2022 तक हर मुंबईकर को हम घर देकर रहेंगे। और सायर कोलीवाड़ा में बसने वाले हमारे जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हमारे जो गरीब भाई है उनको भी घर मिलेगा, इसके लिए निश्चित रूप से हम काम करेंगे। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन आपने मुझे यहाँ बुलाया इसलिए आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। फिर एक बार आपको पोंगल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नंदनी वणक्कम।